हेलो फ्रेंड्स, गृह शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कान्हा जी की असीम कृपा सब पर सदा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ आज हम करवा चौथ के व्रत के विधि विधान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने करवा चौथ में कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में बात करी थी, और आज हम करवा चौथ के व्रत की विधि के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये व्रत करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको याद दिला दें, वो नए व्यूअर्स जो पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक डायरेक्ट सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, करवा चौथ से एक दिन पहले सिर धो लें और मेहंदी महावर आदि लगा लें। कुछ महिलाएं चौथ वाले दिन ही यह सब कार्य करती हैं, तो वो ऐसे ही करें जैसे वो पहले से करती आई हैं। और एक दिन पहले ये मेहंदी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि व्रत वाले दिन मेहंदी लगाकर बैठने का टाइम नहीं मिल पाता, बहुत उस समय दिन छोटा लगता है एक तरीके से। फिर भी जैसी आपको सुविधा लगे आप वैसे करें। करवा चौथ वाले दिन सुबह 4 बजे के करीब सास अपनी बहू को सर्गी दें और बहू वो सर्गी ग्रहण करें, साथ ही अपनी सास का आशीर्वाद दें। इस सर्गी में मिठाई, फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, श्रृंगार आदि सामान होता है जो कि बहू ग्रहण करें। और जिनके यहाँ सर्गी का चलन नहीं होता वो सुबह 4 बजे के करीब चाय पी सकते हैं, और किसी किसी के यहाँ चाय भी नहीं पीते। सबका अपना अलग अलग तरीका है, तो जैसे आप रखते हैं पहले से व्रत उसी तरीके से रखें, नए रूल्स इस चीज़ में लागू ना करें। उसके बाद सुबह नहा धोकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके माँ करवा चौथ का कैलेंडर लगाएं, या आपको हाथ से बनाना आता है उनकी छवि को तो वो बनाएं, नहीं तो आज का कैलेंडर सब मार्केट में मिल जाते हैं, उन्हें आप लेके पूर्व की तरफ मुंह करके माँ का कैलेंडर लगाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं और कहें कि माँ, मैंने आपका व्रत रखा है, इसे स्वीकार करना, मेरे पति की लंबी आयु करना और कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना। इसके बाद पूरे दिन है आपके पास, आपको जो करना है वो करें, चाहे तो मेहंदी लगवाएं, चाहे अपने रिलेटिव के घर जाएं, चाहे ब्यूटी पार्लर जाएं, जो आप चाहें वो करें। बस इतनी एनर्जी रखें कि पानी पीने की आपकी इच्छा ना हो, क्योंकि पूरे दिन आपको पानी नहीं पीना है। और साथ ही शिव परिवार का मनी मन जप करते रहें, उसको ध्यान में रखें। इसके बाद शाम को पूजा की तैयारी करें, जो शाम का शुभ मुहूर्त है उसी में पूजन करें, इस बात का भी ध्यान रखें। और तो सबसे पहले दोस्तों, शाम को अठावरी बना लें, हलवा बना लें, और जिसके यहाँ जो भोग लगता हो, अधिकतर अठावरी का ही भोग लगता है, लेकिन जिसके यहाँ जो भोग लगता हो वो बना लें। उसके बाद पूरा सोलह श्रृंगार कर लें, माँ की चौकी लगाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उसमें पीली मिट्टी से माँ गौरी बनाएं, साथ में उनकी गोद में गणेश जी की छोटी सी मूर्ति भी बनाएं, उनको मूर्ति बना के उनकी गोद में उसे बिठाएं। उसके बाद जो कैलेंडर हमने लगाया था उसके पूजन करें, उनका तिलक करें, उन पर रोली लगाएं, चावल लगाएं और उनका भोग लगाएं और उनको फूल अर्पित करें। उसके बाद माँ को, गणेश जी को, जो हमने गौरी माँ जो बनाई है मिट्टी की, उनको भी तिलक करें, गणेश जी को भी तिलक करें, चावल चढ़ाएं और फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं, चुनरी उड़ाएं माँ को, श्रृंगार चढ़ाएं। फिर जो आप अपनी सास या नंद को ब्याना देना चाहते हैं, यानी श्रृंगार, चीनी का करवा जिसमें चावल भरे होते हैं, दक्षिणा, कपड़े, जो भी आप देना चाहते हैं यह सब माँ के सामने रखें। उसके बाद मिट्टी का करवा लें, उसमें पानी भरें और उसके ढक्कन पर कुछ चावल रखें, साथ ही उस करवे का तिलक करें, सत्या बनाएं, उसका कलावा बांधें। साथ ही एक बात ध्यान रखें दोस्तों, जिनके यहाँ ग्रुप में करवे बदले आते हैं वो यही एक करवा यूज़ करें, और जो अकेले गौर मैया से करवे बदलते हैं वह एक स्टील का लोटा और ले लें, जिसे हम गंगा सागर भी कहते हैं, उसमें भी पानी भर लें, टीका करें, सत्या बनाएं, कलावा बांधें। चावल नहीं रखने हैं उसके ऊपर और ना ही कोई ढक्कन रखना है, इसका ध्यान रखें। उसके बाद घी का दीपक जलाएं, फल फ्रूट रखें, माँ को भोग लगाएं। इतनी तैयारी करने के बाद सीधे हाथ में थोड़े से चावल लेकर माँ की कथा कहें, और वो जो कैलेंडर में कथा लिखी होती है उसको आप पढ़ सकते हैं, वो कथा बिल्कुल सही मानी जाती है। तो उसके बाद कथा करने के बाद उन चावलों को माँ पे चढ़ा दें, फिर अपने करवे 7 बार एक दूसरे से बदलें। करवे बदलते समय हर बार आपको ये कहना है कि करवा ले सदा सुहागन, करवा ले, करवा ले, करवा ले सात भाइयों की बहन, करवा ले, करवा ले, करवा ले सात पुत्रों की माँ, करवा ले। 7 बार ऐसे ही बोलना है आपको, और हर करवे को बदलने पर, जैसे आपने पहले ऐसे बोला फिर दोनों करवे आपस में बदल लिए, फिर बोला फिर आपस में दोनों करवे बदल लिए, ऐसे 7 बार आपको करना है। उसके बाद घी के दीपक की आरती करें, और आरती के बाद माँ से निवेदन करें,
पूरे शिव परिवार से निवेदन करें कि मेरे पति की लंबी आयु हो, मेरे घर में सुख शांति हो, हर संकट से मेरा घर बचा रहे, मेरे बच्चों पर सदा आपका आशीष बना रहे, मुझ पर आशीष बना रहे, ऐसी कृपा करें माँ। और माँ यदि कोई भूल हो गई हो तो उसे भी क्षमा करें, क्योंकि हम मूर्ख अज्ञानी हैं। इतना कहने के बाद माँ के आगे धोग लगाएं। अब ये तो हो गई आपकी कथा और पूजा, अब इंतजार करें कि चंद्रमा के उदय होने का, क्योंकि बिना चंद्रमा को अर्घ दिए यह व्रत नहीं खोलना है। अब जब पूरा चंद्र निकल जाए तब जिन करवों से आपने पूजा करी थी उनसे चंद्रमा को अर्घ दें, तिलक करें, चंद्रमा को भोग लगाएं और चंद्रदेव को जो चावल ढक्कन पर रखे थे उन्हें चढ़ाएं, आरती करें, उसके बाद चलनी में दीपक रखकर चंद्रदेव को देखें, फिर उसी चलनी से अपने पति के चेहरे को देखें, फिर पति की भी आरती करें, टीका लगाएं और भोग लगाएं, पति को भी पति के पैर छुएं, और इसके बाद चंद्रदेव से पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें और कहें कि कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा करें। इसके बाद जो ब्याना अपनी सास के लिए आपने निकाला था वह उन्हें दें, उनका आशीर्वाद लें, सभी बड़ों का आशीर्वाद लें, घर में जो भी बड़े हों उन सब का आशीर्वाद लें, फिर अपने पति के हाथ से पानी पिएं और कुछ मीठा खाएं, उसके बाद खाना खा लें और अपना व्रत खोल लें। तो दोस्तों यह हो गया आपका करवा चौथ का व्रत जो कि विधि विधान सहित कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी करवा चौथ का व्रत रखने में, और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में एक नई गॉसिप के साथ आपसे मिलते हैं, तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।